ईवीएम का प्रस्ताव जिस आदमी ने रखा उस आदमी का नाम है अभिषेक मनु संघवी। प्रस्ताव का क्रमांक है 422-84, मतलब 84 साल में 422 नाम का प्रस्ताव है। इस ईवीएम के प्रस्ताव को पहला अनुमोदन दिया अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी, और ईवीएम के प्रस्ताव को दूसरा अनुमोदन दिया प्रकाश करात सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी और सीपीआई ब्राह्मणों की पार्टी, ये तीन ब्राह्मणों की पार्टी ने मिलकर ईवीएम भारत में लाया, क्योंकि कांशीराम जी ने एक ब्राह्मणेतर पार्टी का निर्माण किया था। कांशीराम और बीएसपी को रोकने के लिए और आपके वोट हत्याने के लिए, आपके वोट की लूट करने के लिए, आपके वोट चोरी करने के लिए कांग्रेस ने ईवीएम भारत में लाया। वीपी सिंह ने इसका विरोध किया, राष्ट्रपति को और चुनाव आयोग को लिखित लेटर लिखकर वीपी सिंह ने विरोध किया, लेकिन वीपी सिंह की बात नहीं मानी। फिर 24 सितंबर 1985 को ये बिल राज्यसभा में मंजूर हुआ, और 24 सितंबर 1985 को मंजूर होने के बाद 2 जनवरी 1986 को राष्ट्रपति ज्ञानी झेल सिंह ने इस पर साइन किया और ये बिल आया। मतलब ये बिल भारत में लाने के लिए, ईवीएम भारत में लाने के लिए सबसे ज़्यादा हाथ और सबसे ज़्यादा अगर काम किसने किया है वो कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस के लोगों ने ईवीएम लाया है। इसलिए आज की तारीख में कांग्रेस के लोग ईवीएम के विरोध में कुछ भी बोलते हुए नज़र नहीं आते। अगर दूसरे कांग्रेस के लोग बोलते भी है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कभी भी ईवीएम के खिलाफ बोलते हुए आपको दिखाई नहीं दे, क्योंकि उनको पता है कि उनके पूर्वजों ने ईवीएम को भारत में लाया है। हमारा सत्यानाश जिस कारण हुआ है वह कारण हम लोगों को पूरी तरह से मालूम होना चाहिए, नहीं तो हम फिर फंसने की आशा है, फिर हमारे साथ विश्वासघात हो सकता है, फिर हमारे साथ चीटिंग हो सकती है, फिर हमारा इस्तेमाल हो सकता है। दोबारा हमारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, दोबारा हमारे साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, दोबारा हमारा विश्वासघात नहीं होना चाहिए। इसलिए ईवीएम की पूरी जानकारी हमारे लोगों को होनी चाहिए। फिर ईवीएम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया वो कंपनी है ECIL। ECIL का लॉन्ग फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर ईवीएम मशीन बनाए 2003 में। 2003 के पहले 89 में ईवीएम मशीन का पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है नमूना के तौर पर राजीव गांधी के काल में इस मशीन का उपयोग किया। फिर ये मशीन 2003 को इन कंपनियों ने कांग्रेस को दी, और फिर कांग्रेस ने 2004 के चुनाव में इसका उपयोग किया, फिर 2009 के चुनाव में इसका उपयोग किया, घोटाला करके वो चुनकर आए, और उनकी बारी खत्म होने के बाद 2014 में बीजेपी ने घोटाला किया और 2019 में बीजेपी ने घोटाला किया। ये बैकग्राउंड है। अब ये बैकग्राउंड इसलिए बताया कि बहुत सारे लोगों को ईवीएम का जो जन्म कहानी है उसकी जो कुंडली है, जो ब्राह्मण बनाता है, कुंडली केवल ब्राह्मणों के पास होती है ऐसा उनको लगता है, लेकिन उनके काले कर्मों की कुंडली वामन मेश्राम साहब के पास भी होती है, ये कुंडली है उनकी। तो ये कुंडली हम लोगों को मालूम होनी चाहिए, हमारी कुंडली उनके पास है और उनकी कुंडली मेश्राम साहब के पास है। वैसे भी बाहवान बहुत चलाक है, खुद कुंडली बनाता है, दोष खुद दिखाता है, उपाय खुद बताता है।
खुद कुंडली बनाता है, खुद कुंडली समझाता है, दोष भी खुद ही दिखाता है और वो उपाय भी बताता है। मतलब ये उसका धंधा है साथियों। बामन होशियार नहीं है, आपके अज्ञान का वो फायदा लेता है। हमारा अज्ञान ही उसकी ताकत है, बामन होशियार नहीं है, हमारा अज्ञान उसकी ताकत है। वो होशियार नहीं है, चालाक है, षड्यंत्रकारी है। तो ये जो ये भी